जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने झूठ का जो जाल जो है ना दिल्ली की जनता को बिछाया है, बहुत अच्छी तरीके से दिल्ली की जनता जानती है कौन क्या काम कर रहा है और दिल्ली के लिए क्या काम कर रहा है। ये बात करते का दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, सरकार तो आपके हाथ में है। जिस तरीके से माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंस था हरियाणा के इलेक्शन पे अभी कुछ दिन पहले का, क्या हम 90 सीटों में से 90 सीटें हमारी आने वाली है ले, और उन्होंने ये भी बोला था मैं दिल्ली का बेटा हूँ हरियाणा का लाल हूँ। हरियाणा का लाल ने तो बक्सा नहीं, 90 सीटों में जमानत जब्त हो गई आम आदमी पार्टी का। और ये बात करते हैं मैं शहर हूँ वहाँ का पंजाब का, वहाँ की भी इनकी सत्ता जाने वाली है कुछ सालों में। सीएम हाउस के अंदर एक महिला को मारा जाता है, ठीक है ना, कल एक प्रशांत विहार के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, अब वो बॉम्ब ब्लास्ट किस टाइप का ये नहीं पता लगा हमें, क्यों ना तो किसी ने उसकी जिम्मेवारी ली है। और मजे की बात है एक बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर एक व्यक्ति घायल हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट में एक व्यक्ति घायल होना कहाँ तक हजम होने वाली बात है आपको? सर क्या कहना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने आज बयान दिया कि दिल्ली जो है समय सबसे असुरक्षित राजधानी हो चुकी है। बिल्कुल सही बयान दिया, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। बिल्कुल सहमत है उनकी बातों से, क्योंकि सीएम हाउस के अंदर एक महिला को मारा जाता है, ठीक है ना, कल एक प्रशांत विहार के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, अब वो बॉम्ब ब्लास्ट किस टाइप का ये नहीं पता लगा हमें, क्यों ना तो किसी ने उसकी जिम्मेवारी ली। और मजे की बात है एक बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर एक व्यक्ति घायल हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट में एक व्यक्ति घायल होना कहाँ तक हजम होने वाली बात है आपको? जो पुलिस है यहाँ की दिल्ली राज्य की, वो तो गृह मंत्री जी के अंडर आती है, अमित शाह जी के अंडर। भाई साहब 10 साल ही दिल्ली पुलिस इनको केंद्र के हाथों में दिखी है, 60 साल नहीं दिखी, 55 साल नहीं दिखी, बताइए आप उस टाइम में कितने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे दिल्ली के अंदर। आज मुश्किल से जब से भाजपा सरकार आई है केंद्र में, जब से 2 या 3 हुए हैं, एक अभी हुआ था दिवाली से पहले रोहिणी में, एक हुआ प्रशांत विहार में, मजे की बात है एक ही एक पर्टिकुलर एरिए के अंदर प्रशांत विहार और रोहिणी वहाँ पे ही क्यों हो रहे हैं। और देखिए जैसे अपना कश्मीर के अंदर सरकार बनी है उसके बाद ही क्यों हो रहे हैं, और दंगे कितने हो रहे हैं कश्मीर में, पहले भी होते थे, मैं ये नहीं कहूँगा। ये जब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तभी केजरीवाल जी को नजर आ रहा है, प्रोपेगेंडा है, प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा चुनावों के लिए कर रहे हैं तो क्या लग रहा है सक्सेसफुल हुआ? बताइए केजरीवाल साहब को इससे पहले थप्पड़ क्यों नहीं पड़ा था? विकासपुरी में एक जन वो निकाल रहे थे, जनसभा निकाल रहे थे, उसमें थप्पड़ पड़ा, इससे पहले जब तक ये सीएम रहे तब तक थप्पड़ क्यों नहीं पड़ा? यानी कि चुनाव में आने के लिए एक्स सीएम, अब तो उस टाइम जो थप्पड़ पड़ा था वो एक्स ही थे, उनके थप्पड़ पड़ा। एक्स सीएम को भी तो सिक्योरिटी होती है, चाहे 4 बंदों की हो, तो वो क्यों पड़ा, किसने मारा? तो क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव ने मारा? क्योंकि वो गंदा पानी लेके आई थी, ठीक है ना, तो आपकी ऐसी नौबत क्यों आएंगे, आपके थप्पड़ पड़ने चालू हो गए। तो आपने नौबतों की बात की तो क्या लग रहा है? मेरी की बात एक और है, सीएम कौन है हमारी इस टाइम आतिशी, और बयानबाजी कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते कर रहे हैं, दिल्ली का सीएम होने के नाते कर रहे हैं, ये बयानबाजी तो आतिशी को करनी चाहिए। तो क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर, फिर आ रहे हैं केजरीवाल जी? जैसे नहीं आए, कहाँ हैं अभी, तो रास्ते में है, हो सकता है ट्रेन वापस मुड़ जाए। अच्छा, हाँ, अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे यानी कि? मैं वही कह रहा हूँ ना, हो सकता है ट्रेन वापस भी मुड़ जाए। कौन होगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली, कोई बात नहीं, पहले वो 2 न्याय यात्रा निकाली थी, पहले उनका ट्रांसपोर्ट रोका, पैसा दे दो, दिल्ली न्याय यात्रा तो बहुत छोटी है, पहले भारत जोड़ के दिल्ली न्याय यात्रा हो गई है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले उनके 2 बार के पैसे दे दो, बाद में उनका हिसाब कर दो, बाकी दिल्ली वाले तो अपने आप कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया, केजरीवाल जी ने बयान दिया कि दिल्ली जो है सबसे असुरक्षित हो चुकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो रखी है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने झूठ का जो जाल जो है ना दिल्ली की जनता को बिछाया है, बहुत अच्छी तरीके से दिल्ली की जनता जानती है कौन क्या काम कर रहा है और दिल्ली के लिए क्या काम कर रहा है। ये बात करते का दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, सरकार तो आपके हाथ में है, LGB तो है, LG से इनकी बात बनती नहीं सही से, रिश्ते अच्छे नहीं है LG के साथ में, वही LG साहब कहते हैं कि आतिशी बहुत अच्छा काम कर रही है, आतिशी जी जो है मुख्यमंत्री अभी, करेक्ट, जो मुख्यमंत्री है वो LG को जो है मतलब इतनी जल्दी बात मन गई मान ली उन लोगों LG ने, और 10 साल सरकार है केजरीवाल जी का, अभी तला उनको बात बनाने में लग गए और बात नहीं मान रहे LG,
ये कौन सी दुर्विधा है मुझे बताओ ना, अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ मैं। ये बात करते हो दिल्ली की जनता के लिए हमने बहुत अच्छा काम करा है, एजुकेशन में कितने घोटाले करे, आज बच्चे फेल क्यों हो रहे 9th क्लास 11th क्लास में, पूछना चाहता आम आदमी पार्टी से। जब आपने इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम बना रखा है 2014 से लेकर 2024 तक, तो बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं मैं पूछना चाहता आम आदमी पार्टी से। एक बार नहीं दो बार बच्चे फेल हो रहे फिर भी पास आउट नहीं हो रहे, या तो उन बच्चों की गलती है जो पास आउट नहीं हो रहे या पढ़ाई नहीं कर रहे, या फिर एजुकेशन की गलती है, या अच्छे टीचर नहीं है स्कूल में उनकी कमी है। और इन्होंने बात करा था जा चुकी वहाँ मकान, कहाँ है मकान भाई? आज भी साउथ दिल्ली के, नॉर्थ दिल्ली के, ईस्ट दिल्ली के जितने भी झुग्गी वाले हैं आज भी केजरीवाल जी के इंतजार कर रहे हैं, कम मकान देंगे बना के हमें, और वोट भी जा रहा दबा के। लेकिन मैं पूछने जाता आम आदमी पार्टी से, जिस तरीके से इन्होंने झूठ का जो जाल बिछा रखा है दिल्ली की जनता की आंखों में, आप बहुत जल्दी जो है इनके पर्दाफाश होने वाला आम आदमी पार्टी होगा। आप बोल रहे हो ना कि झूठ का जाल बिछा रखा है, मगर वो कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार नेता हैं लगातार। पत्रकार महोदय का इतने कट्टर ईमानदार होते हैं ना, ईडी का नो संबंध जाने के बाद भी जो है वो प्रेजेंट हो जाते वहाँ पे जाके, थक हार के तब भी नहीं गए, फिर लास्ट में उनको जो जेल जाना पड़ा, और इतने ही कट्टर ईमानदार थे। तो अपने पार्टी के नेता नेता आती थी, ये अपनी वाइफ को बना रहे थे मुख्यमंत्री, तब कहाँ गई थी ईमानदारी आपकी? तब नहीं दिखा था? मतलब कोर्ट ने आपको हर चीज से प्रतिबंध लगा दिया, उसके बाद थक हार के जो है आपने रिजाइन दे दिया कि आप किसी भी फाइल में साइन नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री से वो नहीं जा सकते, मुख्यालय नहीं जा सकते, आप किसी सांसद में नहीं जा सकते आप। तो थक हार के जो रिजाइन देने के बाद अब ये बोलते हैं कि हम बहुत कट्टर ईमानदार हैं, हमने रिजाइन दे दिया सीएम पद से। ये कौन सी कट्टर ईमानदार है भाई? भाई वहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू जी यादव, उनके ऊपर भी आरोप लगा था, उन्होंने भी रिजाइन दिया था, जेल जाने से पहले अपनी बीवी को बनाया था मुख्यमंत्री, तो इन्होंने क्यों नहीं बनाया भाई? इनके साख बचाने थी ना पत्रकार महोदय। तो क्या कहना चाहेंगे अब जो विधानसभा नजदीक आ गए, क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है कि अब वापस आ रहे हैं केजरीवाल जी, वापसी कर रहे हैं। जिस तरीके से माननीय आम केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंस था हरियाणा के इलेक्शन पे अभी कुछ दिन पहले का, क्या हम 90 सीटों में से 90 सीटें हमारी आने वाली है? ले और उन्होंने ये भी बोला था मैं दिल्ली का बेटा हूँ, हरियाणा का लाल हूँ। हरियाणा का लाल ने तो बक्सा नहीं, 90 सीटों जमानत जब्त हो गई आम आदमी पार्टी का। और ये बात करते हैं मैं शेर हूँ वहाँ का, पंजाब का, वहाँ की भी इनकी सत्ता जाने वाली है कुछ सालों में। जिस तरीके से वहाँ पे ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, वहाँ का युवा जो है नशे की तस्कर में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ का जो अभी वायु प्रदूषण चल रहा है दिल्ली में, बेइंतहा प्राणी जलाई जा रही है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री भागवत मान जी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहे। और ये बात करते केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं देती है। पत्रकार महोदय जिस तरीके से झूठ बोलते हैं ना, आप 55 करोड़ रुपए का सीसमेल बना देते हो, केंद्र सरकार रोक देती है आपको आके, क्यों बनाया आप 55 करोड़ रुपए का, किसके पैसे से बनाया आपने? आपने उसको भी ऑर्डर नहीं दिया आपने अभी तक। और रही बात दिल्ली की जनता के लिए, आज हमने बोला कि हमने एजुकेशन अच्छा करा, यमुना बीवी जो है वहाँ पे, यमुना अभी भी वायु प्रदूषण से जो है तहस महस हो रही है, वहाँ के जो जानवर है वो पानी पी नहीं सकते, फिर मजबूर पीने पड़ रहा है, और ये करोड़ों रुपए जो है केंद्र सरकार से मिलता है इनको सफाई के लिए। एमसीडी इनके हाथ में है, इन्होंने बोला था कि एमसीडी बीजेपी के हाथ में है भाई, पत्रकार माते बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था, अब एमसीडी भी इनके हाथ में आ गई। क्या काम करें एमसीडी में? आप यहाँ का छोड़ दो, आप दिल्ली के किसी भी एरिया में चले जाओ, सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है ना। तो एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी है उनकी सरकारी जॉब लगी है उनको, अभी भी प्राइवेट में है वो, और अभी कुछ आज की बता रहा हूँ मैं आपको, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई कर्मियों के साथ जाके मिल रहे हैं। 10 साल से कहाँ गए थे आप? 10 साल से क्यों नहीं दिखा हमें एमसीडी कर्मचारी, या झुग्गी वाले क्यों नहीं दिखे आपको 10 साल से? विधानसभा चुनाव से पहले सारा जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं वो भाई। इतने यहाँ का कट्टर ईमानदार होते या दिल्ली के लिए काम करा होता तो गरीब मजदूर के पास जाते, झुग्गी वालों के पास जाते 9 साल 10 सालों में, उनके हालचाल पूछते जाके क्या क्या समस्या है आपकी, आप कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, आपके घर में राशन है या नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ता पत्रकार महोदय। जैसे ही इलेक्शन आ गया अब सारे के सारे जो इनके पार्टी कार्यकर्ता MLA काउंसिल सब जाएंगे झुग्गी झुग्गी में जाएंगे, अभी रोडों में जाएंगे, रिक्शे वाले से पूछेंगे जाके आपने कितना कमा रहे हो, सुख सुविधा मिल रहा है, रेन बसेरे में जाएंगे। ये सब जो है ना प्रोपेगेंडा है पत्रकार महोदय, ये इलेक्शन का है,
और मैं बताना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से, जिस तरीके से हरियाणा की जनता 90 सीटों में इनकी जमानत जब्त कर दिया, उसी तरीके से इनके आने वाले 2025 के इलेक्शन में जिस हरियाणा जैसा बकाया वैसे इनको भी मंगाएंगे। चलिए और लोग से बात कर लेते हैं आप।